सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। Once again, welcome back to my channel, Joyce Lookbooks. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली सेल्फ ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये वाली मेकअप लुक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आप 24 आवर्स के लिए कैरी कर सकते हो। अगर आप पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर एंड मोमेंट में ऐसा होता है कि आपका पार्लर वाली नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे आप खुद से अपना ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। किसी के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेकअप में ना ही हेयर स्टाइल में। ये वाली हेयर स्टाइल आपको शॉर्ट वीडियो पे मिल जाएगी, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वाली हेयर स्टाइल को आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो आप। और गाइस, कॉल का डिज़ाइन मुझे बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैंने ट्राई किया है, तो प्लीज़ कॉल का डिज़ाइन में बिल्कुल भी कमेंट मत कीजिएगा। ये वाली मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मैं अंडर 300 रुपीज़ के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड आज का वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए और हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करना ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है वीडियो, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेंस वेयर कर लूँगी। आप अगर लेंसेज वेयर नहीं करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले गुड वाइब्स का ये वाली टोनर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप अपनी स्किन केयर अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट से कर सकती हो। तो टोनर को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लूँगी फेस पर। उसके बाद डर्माडॉक का ये वाली सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड अभी फ़िलहाल यही वाला सीरम मेरे पास अवेलेबल है, तो इसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ। नहीं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं रोज़ हिप सीरम अप्लाई करती हूँ, लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर क्रीम मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है एंड इस तरीके से पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ब्राइडल मेकअप से पहले स्किन केयर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अच्छे से सारे स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद में प्राइमर के लिए स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप वेस हाइलाइटिंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ एंड ये वाली प्राइमर आपको प्राइम भी करेगा फेस को, साथ साथ आपको ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, एक हाईलाइट प्रोवाइड करेगा, देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं टीजोन एरिया पे फोकस करके पूरे फेस पर मैं अप्लाई करूँगी। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे टीजोन एरिया से वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करके इस तरीके से अप्लाई करूँगी। ऑल्सो नेक पर भी मैंने अप्लाई किया है जो भी है। नेक्स्ट मैं कर लूँगी अपने आईब्राउज़ को बहुत अच्छे से फिल एंड ड्रॉ। तो मेरा आईब्राउज़ बहुत ज़्यादा डार्क है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे मैं हल्के हल्के हाथों से ब्राउन शेड को ले करके एंड पाउडरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना है ताकि ज़्यादा देर तक टिका रहे। उसको फिल करने के बाद यहाँ पे मार्स का ये वाली कंटूर प्लस कंसीलर पैलेट ले रही हूँ। इसमें से जो सबसे ज़्यादा लाइटर शेड है उसको लेकर के इस तरीके से आज मैं आई शेडो बेस अप्लाई कर लूँगी। हमेशा आप जब ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आप व्हाइट बेस ही अप्लाई करें ताकि आपका जो आई मेकअप है उभार के आए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा लाइटर जो शेड था उसी को अप्लाई कर रही हूँ एंड इस तरीके का क्रीमी प्रोडक्ट ही यूज़ करें तो इससे आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन मिलेंगे। और इस तरीके से मैं कंपक पाउडर से सेट भी कर लिया है आई वेस को। उसके बाद यहाँ पे ये वाली यू कैन बी एक्जोटिक फ्लेवर आई शेडो पैलेट में से ये वाला जो स्किन शेड से उसको लेकर के अच्छे से मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई किया। उसके बाद ये वाली ब्राउन डार्क ब्राउन शेड को लेकर के इस तरीके से मैं आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड यस गाइस, यहाँ पे मैं 1000 रुपीज़ का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। आप कोई भी पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड को पिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं कट क्रीज ड्रा करूँगी हाफ कट क्रीज एंड सेम कंसीलर के हेल्प से इस तरीके से ब्रश से ले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके इस तरीके से कट क्रीज ड्रा करूँगी एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मार्स का हाइलाइटर पैलेट लिया है। इसमें से जो वाइड वाला हाइलाइटर है उसी को मैं अप्लाई करूँ। ये जो हाइलाइटर है ना थोड़ा सा चंकी पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर, तो ऐसे आई शेडो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, तो है ना वेरी इजी आई मेकअप। एंड उसके बाद यहाँ पे एनोवे का लाइनर से अपने लाइनर अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामेटिक विंग्स लाइनर में क्रिएट करूँगी जैसे कि ब्राइडल मेकअप है तो उस हिसाब से। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी एंड गाइस सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस ये वाली ब्राइडल मेकअप ना बंगाली ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप है, लेकिन आप अगर लहंगे के साथ भी वेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस तरीके का कोई भी अगर गोल्डन लहंगा आप वेयर कर रहे हो तो उसके साथ आप इस लुक को कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर पैलेट में से जो काला करेक्टर शेड है येलो शेड है उसको मैं अप्लाई
रही हूँ तो आपको यहाँ पे ये येलो शेड है एंड मेरा स्किन टोन येलोइश है, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं काला करेक्टर यूज़ ही नहीं करती हूँ जैसे कि ब्राइडल मेकअप है। एंड अभी फिलहाल मेरे फेस पर थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं फिंगर के हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड जहाँ जहाँ पर हमारा पिगमेंटेशन है अंडर आई पे एंड फेस पे थोड़ा बहुत मुझे पिंपल भी हुआ था तो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेस के लिए एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था एंड ये है 7 CC का डाल बेस मेकअप प्लस मेकअप फाउंडेशन इन द शेड 103 एंड ये ना एक प्रोफेशनल मेकअप बेस। तो आप अगर इसे अप्लाई करो तो फैन को ऑफ कर लेना, नहीं तो तुरंत ही सूख जाएगा, लेकिन ऑफ करने के बाद ये आप आराम से ब्लेंड कर पाओगे, बहुत ज़्यादा क्रीमी है तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मेवलिन न्यूयर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ इन दी शेड 25 मीडियम। इसको मैं अंडर आई पे नोज पे एंड माउथ कर रहा हूँ थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर से अपने फेस को बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी एंड इस तरीके से अंडर आई पे एंड जॉलाइन पे अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इस तरीके से छोड़ दूँगी बेकिंग के लिए एंड ये वाली जो कंटूर शेड है इसको लेकर के इस तरह से थोड़ा सा कंटूरिंग भी मैं कर लूँगी। एंड आप अगर बिगिनर्स हो तो आप कंटूर की स्किप कर सकते हो, स्ट्रिप और स्ट्रिप ब्रोंजिंग कर सकते हो। नोज को भी मैं थोड़ा सा कंटूर कर लिया है फिंगर के हेल्प से इस तरीके से एंड उसके बाद यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे सेम ब्राउन शेड को पिक करके अच्छे से स्मैश कर रही हूँ दोनों आईज पे। एंड काजल के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मामार्थ का काजल एंड ये वाली काजल आपको 300 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसका पिगमेंटेशन है, अच्छे से अप्लाई होता है। तो इस तरीके से मैं दोनों आईज पे बहुत ही थिकली अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि ब्राइडल मेकअप है तो काजल भी आपको थिकली अप्लाई करना है थोड़ा सा ध्यान से। एंड इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से एंड मस्कारा अप्लाई करने से पहले लैसेस को कर लूँगी कर्ल्स ताकि इसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाए। और इस तरीके से मैं मस्कारा भी अप्लाई कर लूँगी 2 से 3 कोट अपर लश लाइन पे एंड लोअर लश लाइन पे इस तरीके से। तो मस्कारा के लिए यहाँ पे मेबलिन फिट स्किन का मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये वाली मस्कारा वाटर प्रूफ है, आपके पास जो भी है उसको आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ये वाला जो ब्रोंजर शेड है इसको लेकर के अच्छे से मैं ब्रोंजर अप कर लूँगी, फेस को शेप दे दूँगी इस तरीके से ब्रश के हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नोज पर भी मैं अप्लाई करूँगी और जॉलाइन पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी इसी शेड को। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको मैं डस्ट आउट कर लूँगी क्लीन ब्रश के हेल्प से एंड उसी प्रोडक्ट से मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लशर के लिए ये वाला मिस रोज का ब्लशर पैलेट में से वाला जो शेड है इसको लेकर के एज ए ब्लशर अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मेरा पर्पल का जो ब्लशर मैं आप लोगों से शेयर की थी ना वो पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है, बच्चों ने कहाँ पर गायब कर दिया है मुझे नहीं मिला, तो आजकल मैं इसी को अप्लाई करूँ। उसके बाद सेम हाइलाइटर से अपने फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, हर्ष पॉइंट ऑफ द चीक, ब्राउ बोन पर, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूटिप बोस, चिन एरियाज पे, फॉरहेड पे अच्छे से मैं हाईलाइट कर लूँगी इसी प्रोडक्ट से एंड फिंगर के हेल्प से ब्राउ बोन पर भी अप्लाई किया है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाली मी ऑन का लिप कलर अप्लाई करूँगी एंड उससे पहले मैं अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी मार्स का लिप लाइनर से एंड इस तरीके से एंड उसके बाद ये वाली लिप कलर अप्लाई करूँगी। एंड ये वाली लिप कलर थोड़ा सा कॉस्टली है, आप कोई भी मैरून शेड को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का प्रेप एंड फिक्स प्राइमर प्लस सेटिंग मिस्ट मेकअप को सेट एंड लॉक कर लूँगी। Till the next video, pe. Till then, bye bye. Take care and thank you so much for watching this video. Lots of love, guys. Bye bye.